नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डुकिया क्लासेस में। और मैं हूँ सुभाष डुकिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यूपीएससी की जो ईपीएफओ एग्जाम थी 2020 वो पोस्टपोन्ड हो गई है। अब यूपीएससी ने एक नोटिस निकाला है, प्रेस रिलीज की है, जिसमें ये लिखा गया है कि द कमीशन हेल्ड ए स्पेशल मीटिंग ऑन अप्रैल 19, 2021 टू रिव्यू द सिचुएशन प्रिवेलिंग ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। यानी एक स्पेशल मीटिंग रखी गई थी आज के दिन, और उसके बाद में ये कंसिडर किया गया किस चीज़ को देखते हुए, ये जो जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, सर्कमस्टांसेज हो रही है, हेल्थ कंसिडरेबल हो रहा है, लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर देखते हुए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एग्जाम 9 मई को होने जा रही थी उसको भी पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। दूसरी बात, इसके अलावा आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि आपको जो नेक्स्ट डेट मिलेगी वो कम से कम 15 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन इसका आएगा, 15 दिन पहले आपको न्यूज मिल जाएगी कि इस तारीख से एग्जाम होगी। ठीक है, अपनी एग्जाम की तैयारी में लगे रहें, कम से कम 1 महीना डिले आराम से हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूपीएससी की और भी एग्जाम्स हैं वो भी डिले हुई हैं, कौन कौन सी देख लो, 20 से 23 अप्रैल होने वाली थी एक 2021 के अंदर, स्टैटिकल सर्विस एग्जामिनेशन थी, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो इंटरव्यू था वो भी डिले हो गया है, ये सारी चीज़ें डिले हो रही हैं। तो उम्मीद है कि अगले 1 महीने बाद में ये एग्ज़ाम फिर से रिकंडक्ट करवा दी जाए। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ में। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। इसके अलावा हमें डुकिया क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जितने भी हैं, लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुँच जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।